नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जम्मू कश्मीर पर दिए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। आसिफ ने कहा था कि वे भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। ख्वाजा के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक ही है। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े दिखे हैं। जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वे पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। एनसी कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर गठबंधन सत्ता में आएगा तो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज पर बात कर रहे थे। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने ख्वाजा से जब सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि वे आर्टिकल 370 और 35(1) की बहाली पर एकमत हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में सत्ता में आता है तो आर्टिकल 370 वापस आ सकता है। ख्वाजा ने कहा, मुझे लगता है कि यह संभव है। वर्तमान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वहां पर बहुत बड़ा महत्व है। घाटी की आबादी इस मुद्दे पर बहुत प्रेरित है और संभावना है कि कॉन्फ्रेंस सत्ता में आएगी। उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के।